हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी विद राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल में जो दोस्तों अपडेट आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग दो की चयन परीक्षा हो या फिर टेट एग्ज़ाम हो जो वर्ग तीन का होने जा रहा अगस्त एंड सितंबर के बीच में, तो दोस्तों सारी नोटिफिकेशन इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से ज़रूर देखिएगा। और इनके अलावा जो नियम पुस्तिका जारी की गई हैं उनके अनुसार जो सिलेबस जारी किया गया, पहले ही बता देते हैं दोस्तों, सिलेबस जो जारी किया गया वर्ग दो की बात करें या फिर हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, जो 22 भाषाएं हैं, इनके अलावा सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस के लिए टोटल 100 अंकों का पूर्णांक होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो पात्रता परीक्षा थी वो 150 अंकों की हुई थी, लेकिन जो आपकी चयन परीक्षा होने जा रही है अगस्त महीने में, उसका एग्जामिनेशन के अनुसार जो सिलेबस है वो केवल 100 अंकों का ही कंडक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे जो पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे दोस्तों सभी प्रश्न अनिवार्य होगा। इनके अलावा बात करें तो चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। यहाँ पे जैसे दोस्तों देख पा रहे होंगे सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। इनके अलावा चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी MCQ प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिसमें 1 विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, इसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावा बात किया जाए दोस्तों, जो प्रश्न पत्र जारी किया गया हिंदी पर देख लें, प्रश्नों की संख्या 100 और कुल अंक 100 रहेंगे। अंग्रेजी के लिए 100 प्रश्न और 100 अंक रहेंगे। संस्कृत के लिए 100 प्रश्न और 100 अंक उर्दू के लिए। और इनके अलावा सभी विषय शामिल की गई हैं, गणित हो इनका भी 100 अंक जारी किया गया। इनके अलावा बात करें दोस्तों, अन्य विषय चाहे गणित के अलावा विज्ञान या सामाजिक विज्ञान हो, सभी विषयों का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसके अनुसार आपके 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ विषयों की जानकारी भी देख लें, जो फर्स्ट क्रमांक 1 में दिया गया माध्यमिक शिक्षक विषय जो सूची जारी की गई है इसके अनुसार देख लें, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ साथ स्नातक की उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा, तभी दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा। इनके अलावा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की विमुख्य विषय के रूप में शामिल किया गया। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू और संस्कृत भी है। संस्कृत के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। उर्दू के अभ्यर्थी भी स्नातक उर्दू पर मुख्य विषय के साथ 3 वर्षों का होना होगा, तभी फॉर्म को अप्लाई दोस्तों आप कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट यदि वर्ग दो की परीक्षा का वेट कर रहे थे वे अपनी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि दोस्तों वर्ग दो की परीक्षा जो टेंटेटिव रखी गई है अगस्त में रखी गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख ही ले रहे होंगे कि अभी तक इसका कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।